सुमेरपुर पुलिस ने हत्या के मामले का पर्दाफाश किया है। मामले में 3 सगे भाइयों और जीजा समेत कुल 6 को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने मोबाइल चोरी के कारण हत्या करना बताया। वाली एसएसपी चैन सिंह मचेहा ने बताया कि सुमेरपुर वृत्ताधिकारी वृत्त भूपेंद्र सिंह शेखावत, थानाधिकारी भारत सिंह रावत की टीम ने करीबन 250 सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर हत्यारा तक पहुंच चुकी है। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। सुमेरपुर से अरविंद कुमार जोशी की रिपोर्ट। जैसा कि आपको विदित था कि 17 तारीख को सवेरे कोलीवाड़ा रोड पे सुमेरपुर से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर कोलीवाड़ा रोड पे एक अज्ञात लाश मिली। अज्ञात लाश का जब पुलिस ने मौके पे मुआयना किया, थानाधिकारी भारत सिंह जी और वृत्ताधिकारी शेखावत शर्मा पर पहुंचे तो पाया गया कि लाश को बुरी तरीके से जो है हत्या की गई है। उसमें कई घाव मिले हैं और धारदार हथियार का प्रयोग किया गया है, जिसमें मौके पे चाकू का मिलना और उस व्यक्ति का जो हुलिया था उस हुलिये से लग रहा था कि यह शायद कोई मजदूर आदमी है, क्योंकि उसके हाथ में जो एक लोहे का एंगल होता है, हुक होता है, जो बोरियों को उठाने के लिए काम में लेते हैं, वो भी मिला था। तो बारीकी से मौका मुआयना करने के पश्चात ये एस्टेब्लिश हुआ कि मृतक कोई मजदूर है और संभवतया कहीं दूसरी जगह से इसको लाके और यहाँ इसकी हत्या की गई है। तो इस लीड के साथ में, क्योंकि मृतक उसमें अज्ञात था, उसकी पहचान नहीं हुई थी, तो सर्वप्रथम उसकी पहचान का प्रयास किया गया। पहचान स्थापित होने के बाद में उसके भाई से रिपोर्ट लेने के पश्चात इसका पोस्टमार्टम करवाया और सुमेरपुर में ही ज्ञात हुआ ये कहीं मजदूरी करता है, तो इसके साथ में कौन कौन मजदूरी करते थे उनसे पूछताछ प्रारंभ की गई। और सुमेरपुर के सभी कैमरे पुलिस की विशेष टीम के द्वारा जो है एक एक रोड पे एक एक लिंक को देखते हुए और जिस रोड पे ये वारदात हुई उस रोड तक पूरा जो है गहनता से उसकी जांच की गई। तो सबसे पहले सुमेरपुर में 2 अपराधियों को पकड़ा गया और फिर लीड मिली तो बाहर जो अपराधी भाग गए थे उनको भी जो है सुमेरपुर और उसके बाहर गुजरात तक जाके अपराधियों को रातों रात गिरफ्तार किया गया। तो कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई।